गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राजचंद्र ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय सेना और अग्निपथ विषयक संगोष्ठी में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही ने कहा, श्रेष्ठ भारतीय सेना को श्रेष्ठतम बनाने का मार्ग है अग्निपथ। लखनऊ के प्रतिष्ठान में हुई आगजनी को देखते हुए गोरखपुर की फायर विभाग की टीम बड़े प्रतिष्ठानों के अग्निशमन मानकों को कर रही है चेक। कमी पाए जाने पर कर रही है कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। जनपद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों के लिए लगवाना है अनिवार्य। घर बैठे ही अपने वाहन के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए बुकिंग करने को ट्रैफिक पुलिस कर रही है लोगों को जागरूक। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। गुरुवार की देर रात्रि एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कोराबार थाने का किया निरीक्षण। चेक किया जनसुनवाई रजिस्टर। कहा, थाने पर जनसुनवाई अधिकारी थाने पर रहे मौजूद। करे फरियादियों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण। रामगढ़ ताल के किनारे लगे रेलिंग के बीच में 5 जगहों पर जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है दर्शक दीर्घा। 21 लोग एक साथ बैठकर ले सकेंगे रामगढ़ ताल की खूबसूरती का आनंद। जनपद में यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है रातों दिन अभियान। एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, 53 वाहनों का किया गया चालान। सड़क दुर्घटना में कमी लाना है मुख्य उद्देश्य। अवैध अपमिश्रित देशी शराब यूरिया व नौसादर के साथ एक महिला को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम नौसादर किया बरामद, भेजा जेल। यातायात पुलिस और आरटीओ की संयुक्त टीम ने स्कूली बच्चों के सुरक्षा के लिए स्कूलों के बाहर चलाया विशेष चेकिंग अभियान। एसपी ट्रैफिक ने कहा, बिना हेलमेट लगाए दो पहिया से स्कूल जाने वाले बच्चों और बिना हेलमेट के बच्चों को छोड़ने वाले तथा गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले अभिभावकों का किया गया चालान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज भी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित प्रभु श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिपेक्ष में तात्विक वीक्षण के तीसरे दिन कथा व्यास ने कहा, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सज्जनों की संगति में आ जाने पर बन जाता है संत, वही अगर कुसंगति मिल जाए तो बिगड़ जाता है अच्छे से अच्छा व्यक्ति। राप्ती नगर में शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों व नागरिकों के लिए जीडीए लेकर आ रहा है 260 फ्लैट की नई परियोजना। 15 सितंबर से बुकिंग होगा शुरू। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। भारत के श्री चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गामा पहलवान की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। कहा, गामा पहलवान ने अल्पायु में ही गोरखपुर का नाम देश में किया था रोशन। गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत दूसरे दिन घोसी एकादश व चाउन क्लब बासगांव ने जीते अपने अपने मैच। गोरखपुर जिला फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही ने कहा कि भारतीय सेना दुनिया की श्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। अग्निपथ दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरते भारत, नए भारत, श्रेष्ठ भारत के अनुरूप सेना को श्रेष्ठतम बनाने का मार्ग है। आजादी के अमृत काल में भारतीय सेना भी पूरे विश्व में अद्वितीय हो, इस निमित्त अग्निपथ पहले प्रयास सरीखा है। लेफ्टिनेंट जनरल शाही युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज की पुण्यतिथि के उपलक्ष में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को भारतीय सेना और अग्निपथ विषयक संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समर्थ और विकसित राष्ट्र की पहली व अनिवार्य शर्त है शांति। शांति के लिए शक्ति संतुलन,
अपरिहार्य है। भारत में इसी शक्ति संतुलन के लिए युगानुकूल परिवर्तन की बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत है अग्निपथ योजना। शक्ति संतुलन से शांति और शांति के माध्यम से विकास। इस परिप्रेक्ष्य में अग्निपथ व्यावहारिक रूप में समग्र विकास की आधारशिला बनेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारतीय सेना के शौर्य का मान व ज्ञान हमें रामायण तथा महाभारत काल से ही है। वर्तमान दौर में हमारी सेना थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में बहुत तीव्र गति से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। स्वदेशी पोत, एयरक्राफ्ट, मिसाइलें आदि भारतीय सेना की नई पहचान बन रही है। सेना की नई और सुदृढ़ पहचान की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अग्निपथ का नाम भी जुड़ गया है। अग्निपथ के माध्यम से अपना देश प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं का देश बनेगा। संगोष्ठी में अपने विचार रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर राजेंद्र भारती ने कहा कि सेना का अग्निपथ वह मार्ग है जो कौशल विकास और अनुशासन से दक्ष कर युवाओं को उनके सुनहरे और बहुआयामी भविष्य की ओर उन्मुख करेगा। उन्होंने अग्निपथ योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अग्निपथ में 4 साल की सेवा के बाद युवाओं के पास सेना के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी समायोजित होने का भरपूर अवसर होगा। 25% अग्निवीर योग्यताओं के अनुसार सेना में ही भर्ती कर लिए जाएंगे। जो 75% शेष रह जाएंगे उन्हें कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF में भर्ती के लिए 10% आरक्षण व आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा उन्हें डिफेंस, PSU, कोस्ट गार्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के पुलिस में भर्ती होने की वरीयता मिलेगी। टाटा और महिंद्रा जैसी कई कंपनियों ने भी अग्निवीरों को सेवायोजित करने की बात कही है। यदि कोई अग्निवीर सेवा के बाद खुद का कारोबार शुरू करना चाहेगा तो सेवा पूर्ण होने पर मिलने वाले 11.70 लाख रुपए व बैंक लोन की मदद से वह बहुत कुछ कर सकेगा। उन्होंने अग्निवीर को 4 सालों के दौरान मिलने वाले वेतन व उसके बाद मिलने वाली एक मुश्त धनराशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सिद्ध गुफा सवाई आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दास लाल ने कहा कि अग्निपथ वास्तविक रूप से जीवन का पथ है। यह राष्ट्र धर्म का पथ है। जीवन के लक्ष्य को साधने का भी पथ है। जीवन की सफलता का पथ है। भारत माता की सेवा साधना का पथ है। मानव जीवन की मुक्ति का पथ है और युवाओं को राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराने का पथ है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे देश की विविधता ही हमारी ताकत रही है। अग्निपथ अखिल भारतीय स्तर की भर्ती की योजना है और इसके माध्यम से हम अपनी विविधता की ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। संगोष्ठी का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी व गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव और आदित्य पांडे ने किया। इस अवसर पर महंत शिवनाथ, महंत गंगादास, राम मिलन दास, महंत रामनाथ, महंत राजू दास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविंद्र दास, महंत पंचाननपुरी, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप जैसा कि हमारे डॉक्टर ने बताया, मैं कुछ अपने अनुभव जो हमने 40 साल की पहुंच की नौकरी में और करीब 10 साल 68 का वो चैनिस को चले गए थे, जब बाथरूम में हमारा वहाँ पे कंप्लीट हो गया था। नियंत्रण पे एक साल का बैक था और एक मनमाना पता डिग्री कॉलेज में मैं इंटर कॉलेज में कोशिश की। हमारे पुराना साहब वहाँ पर थे तो उन्होंने कहा कि तुम घर पर बैठे हो, आज कुछ कॉमर्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ाते हो, बाजेदा जी के साथ पार्टी थे तो हमेशा महिला हमारा मन बात करती। मैं विद्यार्थी का चुका हूँ और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बैठे हैं या टीचर्स बैठे हैं, महिला ध्यान देने के लिए गर्मी जो शुरू होती है बचपन से वो अगर अच्छे स्कूलों में हो इससे महिला स्कूल में आप कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज आप यहाँ एडमिशन पाए हो, मैं आपके अप्रोच की शुभकामनाएं भी देता हूँ कि एक अच्छे माहौल के अंदर आपकी पढ़ाई होती है और आप उसको भांति उसको आगे बढ़ाएंगे और अपनी अपनी जो भी एम्स है जरूरी नहीं है आपको
होनी चाहिए और उसके अलावा भी जो कंपनियाँ उसने एक्सेल कीजिए और अपना नाम ऊँचा कीजिए, अपने माता पिता का कीजिए, अपने कॉलेज का कीजिए और प्रोग्राम चलता है। अब ये दो चीज़ें जो मैं अपने अनुभव और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमारे प्रीवियस सरकार ने बताया कि इंडिया के ऑपरेशन चेंज है और श्रीलंका के ऑपरेशन में जो उनकी ज़्यादा राशि नहीं दी जाती है, उसके बारे में दो लड़ाई उस समय पहली बार सी आई ऑपरेशन में हम लोग 1994-95 में अनंतनाग जिले में डिफॉल्ट थे। हमारे ऊपर लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, जगह को सुरक्षित बना रहे थे और हम लोग के ऊपर गोलियाँ चलने लगी और खड़े को देख रहे थे कि कोई चल कहाँ सके। हमारे बगल में हमारे दूसरे कंपनी कमांडर को हमारे भाई थे, मेरे याद है, हम लोग खड़े होकर देख रहे थे। अब ये बाबा गौरव नाथ का आशीर्वाद रहा होगा मेरे ऊपर, मैंने देखा कि उसके टाइम के बीच से बोली चलो, मैंने मेरा ध्यान अपनी टाइम के नहीं आया उनके बारे में और उसने देखा कि मेरे बैंक के बीच से भी हम लोग यहाँ पर खड़े थे, रेडियो से हम बात कर रहे थे दोनों से, तो उसने मेरे को धक्का दिया, मैं धक्का दिया, मैंने उसको धक्का दिया और कहने का मतलब है कि देखिए क्षण भर में अगर उसने धक्का शायद नहीं दिया होता है और पहले नहीं दिया होता तो शायद मैं आपसे बात बात नहीं कर रहा हूँ। क्या उसके बाद से वो भी लोग थे ऊपर मकान से वेंटिलेटर से तारीफ कर रहे थे, उन्होंने बात दिला था उसके बाद, ऐसी बात नहीं कभी मैं आपके सामने एक जज्बा था और फिर अपने करने का और जो आवाज वो तो दिया उस साइड पर हमको दिखाई नहीं दी, जब आप बुलेट चल रहे इसीलिए तो हम फॉल में कहते हैं कि जो बुलेट हवा के लिए बनी होगी हम उसको देखेंगे नहीं, अगर हमने सुन लिया वो कान से निकल कर कान में बोर्ड निकल गई, अगर हमने देखा कि फूल आगे से हो गई तो गोली नहीं खत्म हो गई, लेकिन जो हमारे लिए बनी होगी ना हम उसको देखेंगे ना होंगे, बड़ा भी बात जब सुना ही नहीं देखा नहीं, उस वजह से हमने नौकरी की और 2016 में हम जवाब निवृत्त हुए। ये तो कहानी थी, उसके अलावा भी पानी हो रहा था तो भी देखें बहुत थोड़ा बहुत पानी गया। दूसरा था श्रीलंका की, जब श्रीलंका में पीस मीटिंग बोर्ड चल गई थी इंडियन आर्मी की, तो जाफना के अंदर किला वो किले को डॉक्टर से दर्शन करों में मिला हुआ था, पानी बहुत ज़्यादा पहुँच गई, हम लोग पहुँच गए जैसे मैं कहूँ वहाँ पर डॉक्टर से दिला, हम लोग उसके ऊपर चढ़े तो फिर फायर आया हमारे ऊपर, हमारे सीन हमें मेजर था वापस असर 1987 की बात है, हमारे जो सीनियर थे उनका साफ वास्ता था, वहाँ पर इंटर बोली थी तो पता नहीं कुछ मेरे को अपने आप लड़ा, मैंने उनको धक्का नहीं दिया जमीन के ऊपर, मेरे को लगा कि वो कोई उनकी तरह मारा और वह भी नहीं, तब हमने देखा तो कोर्ट की दीवार को उठा गोली गए तो आपने सीख लिया, ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं थी, एक कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिसीजन था, तो वो जब गिरे तो नाराज भी होती धक्का मैंने उत्तर दे दिया, लेकिन जब मैंने बात में तो दिखाया था फिर कहते हैं तो खुदा मैंने गोली चला रहा है, कोई पता नहीं था, लेकिन वैसे अंदेशा होगा मेरे को कि हाँ गोलियाँ चल रही हैं और शायद हमको उनका स्नाइपर ने देख लिया, पहले घर उन्होंने उसको स्पॉट कर दिया था, एक खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ करके बात कर रहा था। जैसा कि हमारे साथ जी ने बताया सुखराम जो बहुत जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अच्छा प्रधानमंत्री जी ने उसका इनोवेशन किया है, हमारे देश में दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाना पूरी दुनिया में एक अपना जगह बनाना, तो जगह बनाने का तीन वक्त बारे में जो भी जानना चाहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ऊपर दो काफ़ी उसमें डेवलपमेंट किया है, मैंने कोई ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं उसके कुछ एक चीज़ें और पढ़ने की कोशिश करूँगा जो छूट गई है उन लोगों से। एक तो यह है कि भारती जी ने बताया कि काफ़ी तीनों सर्विस किसने काफ़ी हासिल किया है, जिस विषय पर जो भी अपनी पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने इसमें सारे जो विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंक्लूडिंग चीन, पाकिस्तान, इसराइल, जर्मनी, रशिया और
कोशिश है, लेकिन बीच वर्षा तो नसीब है काफ़ी सक्रिय है, उनका अध्ययन करते हुए इस पॉलिसी का अपने अनुरूप उसको ढाला गया, आपने कॉपी नहीं किया है उसके अनुरूप ढाला गया। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेटमेंट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया तो उसमें भी उन्होंने बाकी देशों का रिसर्च किया, वहाँ से अच्छे अच्छे जो पॉइंट है, लेकिन उनको भारत के अंदर कैसे लाना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं लाया। जनपद में फायर विभाग के द्वारा अभियान चलाकर बड़े प्रतिष्ठानों के अग्निशमन मानक को चेक किया जा रहा है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि लखनऊ के होटल में हुए आगजनी को देखते हुए जनपद में फायर विभाग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी बड़े बड़े प्रतिष्ठान है उनकी अग्निशमन के मानक को चेक किया जा रहा है, जहाँ पर भी कमी पाई जा रही है नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जो नई बिल्डिंग बन रही है उनको फायर विभाग से NOC लेने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, इस तरह की घटनाएं ना हो जिसके लिए सभी प्रयास किया जा रहा है, इसलिए सभी लोग किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। अगर कहीं पर भी नया संसाधन लगाना है तो उसको लगाकर चेक करें, जिससे कि बड़ी दुर्घटना को होने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, सर लखनऊ घटना देखिए अग्निशमन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पूरे जनपद में शासन के निर्देशों के क्रम में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर अग्निशमन से संबंधित जो मानक है उनकी गुणवत्ता और पूर्णता को चेक किया जा रहा है, जहाँ कमी पाई जा रही है वहाँ पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो भी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें जो भी NOC फायर की होती है उसको अनिवार्य बनाया गया है, और इस तरह की घटनाएं कभी भी यहां पर ना हो इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सर लोगों से क्या अपील? देखिए यही अपील मैं गोरखपुर वासियों से करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्रावधान है जो आपकी और वहाँ पर आने वाले सभी व्यक्तियों की जान माल की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बरतें और फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको 100% पूरा करें, और समय समय पर उसमें जो संसाधनों को बदलना है चेंज करना या नए संसाधन उसमें लगाने हैं उसको समय से उसको लगाते और हमेशा उसको चेक करते रहें। जनपद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर चलना बहुत ही जरूरी हो गया है, इसी को देखते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि नागरिक घर बैठकर ही अपने वाहन के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसी संबंध में एक वेबसाइट बनाया गया है, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों के लिए लगवाना अनिवार्य है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे लगाएं और किस तरह से अप्लाई करें इसके लिए एक वेबसाइट बनाया गया है। अपने मोबाइल में www.siam.in पर क्लिक करें, वाहन के लिए प्रदर्शित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य एवं संबंधित जनपद का नाम चयन करें तथा अपना नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज करें। आवेदन के लिए अपने जनपद वाहन के प्रकार का चयन करते हुए प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टिकर के विकल्प का चयन करें तथा शहर के चौराहों पर लगे हुए LED स्क्रीन पर इस वेबसाइट के बारे में जानकारी दिखाई जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि गोरखपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, जिससे सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें ताकि अपने शहर को साफ सुंदर बना सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों के लिए लगवाना अनिवार्य है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे बनवाएं और अपना मोबाइल नंबर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से कैसे लिंक करें, उक्त दोनों के संबंध में किस वेबसाइट पर कैसे जाना है, उसकी क्या प्रक्रिया है, सभी नागरिकों को आम सहूलियत देने के लिए मैंने इसके लिए सभी समाचार पत्रों में इसकी प्रक्रिया दी है और उनसे अनुरोध किया है कि इसको छापें ताकि लोग जागरूक हों। इसके अतिरिक्त जो हमारे ITMS के वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड शहर में 5 स्थानों पर लगे हुए हैं, वहाँ पर भी स्लाइड के माध्यम से हम सभी नागरिकों की सुविधा के लिए बता रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनवाने के लिए किस तरीके से घर बैठे बैठे लॉगिन कर सकते हैं ताकि नागरिकों को दिक्कत ना हो। क्या अपील करना चाहेंगे?
अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से? सभी नागरिकों से यही अपील है कि गोरखपुर शहर के लिए सुंदर बनाना, व्यवस्थित बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसमें सभी लोग भागीदार बनेंगे, सभी लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे तो हमारा शहर बिल्कुल अलग दिखेगा और महानगरों की तर्ज पर हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक बेहतर व्यवस्था देना चाहते हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गुरुवार की देर रात्रि खोराबाड़ थाने का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जन सुनवाई या जन शिकायतों का निस्तारण गोरखपुर पुलिस की उच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी थानों पर जन सुनवाई अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिससे अगर कोई थाने पर फरियादी आता है तो उसका वहां बैठने की व्यवस्था किया जाए, जिसको जांचने के लिए सभी थानों के निरीक्षण किया जा रहा है। गुरुवार को खोराबाड़ थाने व उससे पहले रामगढ़ता राजघाट थाने का निरीक्षण किया गया था। थाने की जन सुनवाई रजिस्टर को चेक किया गया कि थाने पर आ रही जन शिकायतों का किस तरह से निस्तारण किया जा रहा है। सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि जन सुनवाई अधिकारी थाने पर मौजूद रहे, जिससे अगर किसी भी समय फरियादी थाने पर आता है तो उसके प्रार्थना पत्र को लेकर गुणवत्ता पूर्वक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जितने वाले हैं चार सौ बीस देखिए, जन सुनवाई और जन शिकायतों का निस्तारण गोरखपुर पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए हर थाने पर जन सुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसी के साथ साथ जो प्रार्थी और जो शिकायतकर्ता थाने पर आते हैं उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसका व्यवस्था वहां पर की जाए, इसलिए लगातार सभी अधिकारियों द्वारा थानों का निरीक्षण भौतिक रूप से किया जाता है। इसी क्रम में कल खोराबाड़ थाने का और इससे पूर्व अन्य थानों का भी जो है निरीक्षण किया गया था। इसमें जो प्रार्थी वहां पर आ रहे हैं उनके प्रार्थना पत्र पर समयबद्ध रूप से और मेरिट के आधार पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी गुणवत्ता को भी चेक किया गया है और यही निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे में हर समय पर थाने पर नियुक्त जन सुनवाई अधिकारी वहां पर प्रेजेंट रहें और प्रार्थी किसी भी समय पर आता है तो उसकी प्रार्थना पत्र लेकर त्वरित और गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जीडीए के द्वारा रामगढ़ ताल के किनारे लगे रेलिंग के बीच में 5 जगहों पर दर्शक दीर्घा बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया था कि रामगढ़ ताल के किनारे अच्छी रेलिंग लगाई जाए और ताल के किनारे लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाए, जिसको देखते हुए रेलिंग के बीच में 5 जगहों पर दर्शक दीर्घा बनाया जा रहा है, जो कि रेलिंग से ताल के बीच में 6 मीटर लंबा बनाया जा रहा है, जिसमें
एक दीर्घा में एक साथ 21 लोग बैठ सकेंगे, जिससे लोग आराम से बैठकर रामगढ़ ताल को देख सकेंगे, वहां पर सेल्फी ले सकेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसा कि हम लोगों को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ था कि जो रामगढ़ ताल वाली रोड है उसमें एक सुंदर सी रेलिंग लगाया जाए, उसमें अच्छा ऑर्नामेंटल लाइट लगाया जाए, और साथ में उन्होंने निर्देशित किया था कि लोग उधर ऐसा हो कि थोड़ा बैठने बैठने का भी व्यवस्था हो। तो उसी को देखते हुए एक दर्शक दीर्घा व्यूइंग डेक जो होता है वो 5 जगह बनाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर व्यूइंग डेक वहाँ पर बनाया जाएगा, जहाँ पर लोग आराम से बैठ के वहाँ पे ताल को देख सकेंगे, या किसी को सेल्फी वगैरह लेना होगा तो सेल्फी वगैरह ले सकेंगे। वो सुरक्षित भी रहेगा और सुंदर भी रहेगा। तो उम्मीद है कि जिस तरह से रामगढ़ ताल में पर्यटन बढ़ता जा रहा है और ये सब जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं ये जब कंप्लीट होंगे तो और भी लोगों को लाभ मिलेगा। जनपद में यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में रातों दिन अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि शास्त्री चौक स्थित ट्रैफिक पुलिस ने बिना नंबर प्लेट से नंबर उखड़े हुए वाहनों का चेकिंग कर चालान किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमित रूप से वाहन चेकिंग की प्रक्रिया जारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। अगर सभी नागरिक यातायात नियमों का सही ढंग से पालन करें तो निश्चित रूप से दुर्घटना में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान कुल 53 वाहनों का चालान किया गया तथा सभी को हिदायत दिया गया कि सभी लोग हाई सिक्योरिटी नंबर अवश्य लगवाएं तथा वाहन चलाते समय हेलमेट लगाकर चलें। इस अवसर पर यातायात सीओ, यातायात निरीक्षक मनोज राय, रामवृक्ष यादव सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पहला काम यही होना चाहिए। कितने साल की हो गई ये दिल्ली नंबर की? 15 साल सुपर गाड़ी हो गई आपकी। अरे उसका
वाहन चेकिंग की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस की नियमित कार्रवाई है। वाहन चेकिंग का मुख्य उद्देश्य है सड़क की दुर्घटनाओं में कमी लाना। लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसी के मद्देनज़र कल शाम के लिए बेतियाता क्षेत्र में और प्रमुख रूप से शास्त्री चौक पर वाहनों के चेकिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 53 वाहनों का चालान किया गया। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राजचंद्र ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ की आज की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय सेना और अग्निपथ विषयक संगोष्ठी में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही ने कहा, श्रेष्ठ भारतीय सेना को श्रेष्ठतम बनाने का मार्ग है अग्निपथ। लखनऊ के प्रतिष्ठान में हुई आगजनी को देखते हुए गोरखपुर की फायर विभाग की टीम बड़े प्रतिष्ठानों के अग्निशमन मानकों को कर रही है चेक। कमी पाए जाने पर कर रही है कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। जनपद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों के लिए लगवाना है अनिवार्य। घर बैठे ही अपने वाहन के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए बुकिंग करने को ट्रैफिक पुलिस कर रही है लोगों को जागरूक। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। गुरुवार की देर रात्रि एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कोराबार थाने का किया निरीक्षण। चेक किया जनसुनवाई रजिस्टर, कहा थाने पर जनसुनवाई अधिकारी थाने पर रहे मौजूद, करे फरियादियों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण। रामगढ़ ताल के किनारे लगे रेलिंग के बीच में 5 जगहों पर जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है दर्शक दीर्घा। 21 लोग एक साथ बैठकर ले सकेंगे रामगढ़ ताल की खूबसूरती का आनंद। जनपद में यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है रातों दिन अभियान। एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, 53 वाहनों का किया गया चालान, सड़क दुर्घटना में कमी लाना है मुख्य उद्देश्य। अवैध अपमिश्रित देसी शराब यूरिया व नौसादर के साथ एक महिला को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देसी शराब, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम नौसादर किया बरामद, भेजा जेल। यातायात पुलिस और आरटीओ की संयुक्त टीम ने स्कूली बच्चों के सुरक्षा के लिए स्कूलों के बाहर चलाया विशेष चेकिंग अभियान। एसपी ट्रैफिक ने कहा, बिना हेलमेट लगाए दो पहिया से स्कूल जाने वाले बच्चों और बिना हेलमेट के बच्चों को छोड़ने वाले तथा गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले अभिभावकों का किया गया चालान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ की आठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित प्रभु श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिपेक्ष में तात्विक वीक्षण के तीसरे दिन कथा व्यास ने कहा, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सज्जनों की संगति में आ जाने पर बन जाता है संत, वही अगर कुसंगति मिल जाए तो बिगड़ जाता है अच्छे से अच्छा व्यक्ति।
राप्ती नगर में शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों व नागरिकों के लिए जीडीए लेकर आ रहा है 260 फ्लैट की नई परियोजना। 15 सितंबर से बुकिंग होगा शुरू। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। भारत केसरी चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गामा पहलवान की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। कहा, गामा पहलवान ने अल्पायु में ही गोरखपुर का नाम देश में किया था रोशन। गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत दूसरे दिन घोसी एकादश व चाउन क्लब बासगांव ने जीते अपने अपने मैच। गोरखपुर जिला फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने अवैध अपमिश्रित देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को महरवा की बारी गांव इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान बेबी पुत्री विश्वनाथ निवासी महरवा की बारी भैरवपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देसी शराब, 500 ग्राम यूरिया व 500 ग्राम नौसादर बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्ता बेबी पुत्री विश्वनाथ ने पूछताछ में बताया कि साहब, मैं बहुत गरीब महिला हूं, अपने जीविकोपार्जन के लिए कच्ची शराब को शहर में ले जाकर राहगीरों को बेचती हूं। आज भी मैं शहर में कच्ची शराब बेचने के लिए ले जाने वाली थी कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। महिला से यूरिया व नौसादर के विषय में पूछा गया तो बता रही है कि यह हम कच्ची शराब में मिलाकर बेचते हैं, जिससे इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। पीने वाले इस अपमिश्रित शराब को बड़े चाव से पीते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा नौसादर और यूरिया इस जरीकैन में भी मिलाया है। इस प्रकार अभियुक्ता उपरोक्त अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बार बार अपनी गलती की माफी मांग रही है। उन्होंने बताया कि अभियुक्ता के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, वैभव कुमार श्रीवास्तव, राकेश सिंह, महिला कांस्टेबल सुनैना, ज्योति सरोज शामिल रही। आ गया। हाँ। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह और आरडीओ अनीता सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस और आरडीओ की संयुक्त टीम ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों के बाहर विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि टू व्हीलर, बाइक, स्कूटी से बिना हेलमेट स्कूल जाने वाले बच्चे और बिना हेलमेट के बच्चों को छोड़ने वाले तथा गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले अभिभावकों का चालान किया गया। वहीं बिना जीएल, बिना आरसी वाले ऑटो और नंबर प्लेट ढके हुए ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की गई और बच्चों के ओवरलोडेड ऑटो का भी चालान किया गया। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को देखते हुए हेलमेट अवश्य लगाएं तथा ओवरलोड ऑटो में बच्चों को स्कूल ना भेजें तथा चालक का आधार लाइसेंस, ऑटो की वैधता जांच परख लें, तभी बच्चों को ऑटो से स्कूल भेजें। चेकिंग के दौरान एआरटीओ संजय नाथ झा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रवि कुमार, यातायात निरीक्षक मनोज राय, PSI अजीत कुमार पांडे सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी द्वारा एक सुबह स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है स्कूलों के सभी। अक्सर अभिभावक लोग अपने बच्चों को सस्ता ट्रांसपोर्ट देने के चक्कर में अनवेरीफाइड ऑटो का सहारा लेते हैं, जिनके पास ना स्वयं का उनसे आधार मांगिए तो ना वो आधार दिखा पाते हैं, ना डीएल दिखा पाते हैं, उनके कंडम वाहन होते हैं। ऐसे वाहनों को सस्ते परिवहन के चक्कर में अभिभावक लोग ले लेते हैं, जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। मेरी सभी अभिभावकों से ये अपील है कि बच्चों के लिए वाहन हायर करते समय कम से कम वाहन की फिटनेस देख लें और उसमें ये भी सुनिश्चित कर लें, फिटनेस के अलावा ड्राइवर की आइडेंटिटी क्या है, ड्राइवर का लाइसेंस वैलिड है या नहीं है, इस बारे में पूरी छानबीन करने के बाद ही अपने बच्चे को उस वाहन में भेजें। और जब वाहन फिक्स कर लें उसके बाद ये भी देखें कि निर्धारित क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बिठा के तो नहीं ले जा रहा है, क्योंकि बच्चे हम सभी का भविष्य हैं, बच्चों की सुरक्षा करना सर्वोपरि है।
इसमें हम सभी की सहभागिता जरूरी है और इसमें गार्जियंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनज़र हमने सभी स्कूल पर अभिभावक जो अपने बच्चों को बिना हेलमेट के स्वयं छोड़ने आ रहे थे या ऐसे ऑटो जिनका मानक पूर्ण नहीं था उनको छोड़ने आ रहे थे, ARTO के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सुबह चेकिंग की कार्रवाई की गई। ये चेकिंग बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र हम लगातार बीच बीच में करते रहेंगे। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं एवं राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित प्रभु श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिपेक्ष में तात्विक वेशन के तीसरे दिन कथा व्यास अशर्फी भवन अयोध्या से पधारे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज ने श्री राम के वनवास की कथा सुनाते हुए कहा कि सत्संगति का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सज्जनों की संगति में आ जाने पर संत बन जाता है, वही अगर कुसंगति मिल जाए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी बिगड़ जाता है। यही हुआ महारानी कैकेयी के साथ, जो मंत्रा जैसे दुष्ट की संगति मिलने से अपने सबसे प्रिय पुत्र श्री राम को वन भेजने का कार्य करने लगी। कैकेयी ने ऐसा हट किया कि राजा दशरथ को उनके सामने राम के वन गमन के वरदान को वापस लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। महाराज दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, फिर भी रानी कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मंदगति मंत्रा ने उनके मति का हरण कर लिया था। कुसंगत का असर उनके ऊपर पूर्ण रूप से हो गया था। महामंत्री सुमंत के द्वारा श्री राम जी को बुलाया गया। श्री राम आते हैं और पिता को मूर्छित अवस्था में देखकर मां कैकेयी से उनके बारे में पूछते हैं। कोई जवाब नहीं मिलने पर विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं किंतु अपना धैर्य नहीं खोते। राम तो धैर्य के पर्याय हैं, मर्यादा के पर्याय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि वही संतान श्रेष्ठ है, बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में अनुराग रखता है। जिस पुत्र पुत्री को अपने माँ बाप की सेवा का अवसर मिलता है वह परम सौभाग्यशाली होता है क्योंकि माँ बाप हमारे प्राणदाता होते हैं। यदि वह कुछ आपके अनुसार ना भी करें तो भी उनके विपरीत नहीं होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज के युग में बच्चे इन संस्कारों से दूर हो रहे हैं, इससे हमारा समाज, हमारा परिवार और देश खंडित हो रहा है। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विकृति है। श्री राम के चरित्र को सुनना है, राम के कथाओं में जाना है ताकि अनुसरण हो और हम राम की तरह ही माता पिता के अनुरागी बने। माता पिता इस लोक के साक्षात ईश्वर होते हैं। गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव तथा जय दशरथ नंदन राघव भजन गाकर कथा व्यास ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामायण में किशोरी जानकी जी ने दो बार अपराध किया है, एक बार भगवत अपराध और दूसरी बार भगवत अपराध। एक बार भगवान के साथ तो दूसरी बार भगवान के भक्त के साथ। माँ सीता को प्रभु श्री राम वन में ले जाने के लिए तैयार नहीं होते तो उनको जो वचन कहा है वह सुनकर प्रभु राम बिना कुछ कहे तैयार हो जाते हैं। दूसरा अपराध मारिश वध के समय लक्ष्मण जी से मर्म वचन बोल कर करती हैं। प्रभु राम और लक्ष्मण के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कथा व्यास कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का बराबर स्थान है। भगवान राम भाग्य रूप हैं और लक्ष्मण जी पुरुषार्थ रूप। भगवान राम को भाग्य से वन मिलता है, उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, जबकि लक्ष्मण जी अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदलने की बात करते हैं कि मैं राजा दशरथ के राज पर आक्रमण करके आपको राजा बना दूंगा। इस पर राम उन्हें समझाते हैं कि पिता के विरुद्ध किसी भी पुत्र को जाने का अधिकार नहीं है। समय का पहिया चलता है, पहिए के साथ भाग्य बदलता है। इस भजन के माध्यम से राम सीता के भाग्य को बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि किस प्रकार से राम के पर समय का पहिया चला और उन्हें राजमहल की जगह पर वन वन भटकना पड़ा तथा कुश के आसन पर सोना पड़ा। समय का दूसरा नाम काल है और काल कोई और नहीं परमात्मा ही है जिनके अधीन संसार के सभी लोग रहते हैं। केवट का संवाद सुनाते हुए कहा कि प्रेम के आगे ज्ञान भी मन हो जाता है, प्रेम के अधीन भगवान को भी होना पड़ता है
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से हार पड़ी। इस भजन के द्वारा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा का प्रारंभ व्यास मंच के पूजन तथा समापन आरती ओम प्रसाद से हुआ। कथा का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, यजमान अधेय सिंह, जवाहरलाल कसौधन, अजय कुमार सिंह, लाला बाबू अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, रंगनाथ त्रिपाठी, ब्रजेश मणि मिश्र, विनय गौतम, शुभम मिश्र, शशांक पांडे, नित्यानंद तिवारी, पुरुषोत्तम चौबे तथा संस्कृति विद्यापीठ के विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में कथा प्रेमी उपस्थित रहे। अगर पदार्थ खाने के लाए, राम जी ने कहा ना, माँ कैकेयी ने कहा है पिताजी से 14 वर्ष तक राम अन्न ग्रहण नहीं करेगा। ये सब मुझे स्वीकार, हाथ जोड़ लिया, बस आप ले जाओ। लखनलाल जी के मन में भाव है कि वन में रहने वाला प्याद पशुओं का शिकार करता है, क्या पता इसका, क्या भरोसा इसका। और निषाद राज गुह का ये भाव प्रेमातिशय है प्रभु राम के प्रति, इसलिए अति शंका। लखनलाल है तो आखिर शत्रुघ्न का भाई ना, और शत्रुघ्न भरत की सेवा में है, कहीं ये लखनलाल भी उनके पक्ष में रह करके राम के ऊपर कहीं वार न करे, इसलिए निषाद राज गुह रात भर जगते हैं। पर्ण कुटीर की ओर किसी की दृष्टि नहीं, न लखन की न राम की, न लखनलाल की न निषाद राज गुह की, बल्कि एक दूसरे की ओर है, धनुष बाण उठा है लखनलाल की ओर और लखनलाल का निषाद राज गुह की ओर। अगर कहीं बाण चलेगा तो मेरा बाण पहले इसके उसके ऊपर लगेगा, ये अति शंका इसको कहते हैं। रात भर दोनों जगते रहे, पर्ण कुटीर में श्री सीताराम जी दुखी रहे। प्रातः काल हुआ, निषाद राज गुह पहले तो सुमंत्र जी को समझाया है प्रभु राम ने, लौटने को तैयार नहीं, बोले आपके सामने रथ घोड़े के सहित मैं जलकर मर जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा। परंतु प्रभु राम ने कहा, मां कैकेयी को विश्वास हो कि मैं बन गया हूं और हमारे कुछ संदेश लेकर के पिताजी को देना, समझा बुझा करके वापस किया है, और मैं बड़े विधिवत चरण धुलूंगा, एक भी धूल कण नहीं रहेगा, कोई खतरा मेरी नौका को नहीं रहेगा, फिर मैं आसानी से पार उतार दूंगा। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे परम पूरा कुटुंब कितनी 21 पीढ़ी तर गई हो, देवताओं ने प्रशंसा की कि इसके समान पुण्यमान और दुनिया में ब्रह्मांड में कोई नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जगत का उद्धार करने वाले, जगत से पार उतारने वाले परमात्मा को भी कभी कभी भक्त की जरूरत पड़ जाती, कैसे आओ जरा अनुभव करें। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी गंगा
संत जिनके अस गावे केवट उनको पार लगावे केवट उनको पार लगावे केवट उनको पार लगावे पर से फूल गगन से 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 भक्त के भाग बढ़े भगवान की जय। प्रभु तो वनवासी रूप में निकले थे, उतराई के लिए कुछ था नहीं। जानकी जी की ओर देखा, जानकी जी मुद्रिका उतार कर दी, प्रभु देने लगे। लेकिन केवट भी भक्त भी तो आखिर भगवान का छोटे मोटे का तो है नहीं, जो सर्वज्ञ है उसका भक्त है भक्त। केवट ने कहा, प्रभु मैंने आपको गंगा से पार उतारा है और आप मुझे भाव से पार उतार दीजिए, यही उतराई जाए। सुमंत्र जी आप जाकर महाराज दशरथ को मेरा संदेश दीजिएगा कि आज से मैं लक्ष्मण महाराज दशरथ को अपना पिता नहीं मानता हूं। मेरे माता पिता भ्राता बंधु सब मेरे राघव राम हैं। हमने प्रारंभ से बताया, केवल प्रभु में प्रेम रखने से, भक्ति करने से भगवान के प्रेमियों का हम अपचार भी कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। इसलिए भगवान के साथ भगवत प्रेमी कोई संत या भक्त, उसके प्रति उसका संग, उसके प्रति श्रद्धा रखने से हम कभी किसी का निरादर नहीं करते। आज श्री राघव के प्रति इतना अनुराग है, प्रेम है लखनलाल जी का कि पिता दशरथ जी को तो यहां तक कहते हैं कैकेय्या सक्त मानसम। चित्रकूट वैकुंठ है वो कैसी यात्रा है, इसका थोड़ा विशद विवेचन हम कल पुनः 3 बजे श्रवण करेंगे। आइए अब और आगे का कार्यक्रम हम लोग और आरती श्री रामायण जी की हम लोग करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद गावत वेद पुराण अष्ट रस मुनि जनदन संतन को सब। जीडीए के द्वारा राप्ती नगर में शिक्षकों अधिवक्ता और पत्रकारों के लिए 260 फ्लैट की नई परियोजना लेकर आ रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि राप्ती नगर विस्तार योजना में एक नई परियोजना आ रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि पत्रकारों के लिए योजना लाई जाए। उस समय पत्रकार पूरम योजना लॉन्च हुई थी जिसमें 480 फ्लैट बने थे जो कि सभी बुक हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि अधिवक्ताओं व शिक्षकों के लिए भी योजना लाई जाए, जिसके बाद जीडीए के द्वारा 260 फ्लैट की गई नई योजना लॉन्च हुई है, जिसमें 32 फ्लैट की 8 बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें 2 बिल्डिंग अधिवक्ताओं के लिए रिजर्व किया गया है और 2 शिक्षकों के लिए है, 2 पत्रकारों के लिए है तथा 2 बिल्डिंग अन्य कोई भी व्यक्ति बुकिंग करके ले सकता है, जिसकी बुकिंग 15 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जिसकी कीमत 30 लाख रखा गया है। इसके अलावा खोराबार में भी एक योजना लाई जाएगी,
रेरा से परमिशन मिलने के बाद धनतेरस से बुकिंग की जाएगी, जिसमें काफ़ी प्लॉट्स रहेगा। इससे शहर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि खोराबार में 1000 से ज़्यादा फ्लैट बनेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जो अभी जो मेन परियोजना हमारी आ रही है वो राप्ती नगर विस्तार योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को निर्देशित किया था कि पत्रकार साथियों के लिए योजना लॉन्च करने के लिए, तो उसमें पत्रकारपुरम योजना लॉन्च हुई थी और 480 फ्लैट्स दिए गए थे, वो पूरे संतृप्त हो गए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि अधिवक्ताओं और शिक्षकों के लिए भी योजना लॉन्च किया जाए। तो अब जो है नई योजना लॉन्च हुई है, आपने देखा होगा कल जो है हम लोगों ने लॉन्च करी है 260 फ्लैट की। तो इसमें 8 बिल्डिंग हैं और 32-32 फ्लैट के, तो उसमें दो बिल्डिंग जो होगी, दो ब्लॉक जो होगा वो अधिवक्ताओं के लिए होगा, दो शिक्षकों के लिए होगा, दो पत्रकारों के लिए होगा और दो नॉर्मल किसी के लिए भी होगा। तो वो योजना भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और वो 15 सितंबर से उसकी बुकिंग भी शुरू हो रही है। उसकी कॉस्टिंग वगैरह भी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताया जा रहा है, उसको पब्लिश भी किया जा रहा है। तो वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था अधिवक्ताओं, शिक्षकों और पत्रकारों के लिए, उसकी जो है वो पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम लोग को प्लॉट्स की योजना, ग्रुप हाउसिंग की योजना आम जन के लिए लागू लाना चाहिए। तो उसमें खोराबार में हम लोगों ने स्कीम बनाया है, खोराबार स्कीम में हमारा काम चल रहा है, सड़क का, सब स्टेशन का, नाली का इत्यादि का निर्माण कार्य चल रहा है। उसको हम लोगों ने रेरा में भी अप्लाई किया हुआ है। उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 महीने 2 महीने में हमें वहाँ से रेरा से अनुमति मिल जाएगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि धनतेरस में उसको बुकिंग शुरू करें। तो उसमें काफ़ी सारे प्लॉट्स रहेंगे, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शहर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। कितने फ्लैट बनाएंगे इसमें? तो जो हमने बताया राप्ती विस्तार योजना में 260 फ्लैट अभी ला रहे हैं, उसके बाद हम लोग 300 फ्लैट की और योजना लाएंगे जल्दी ही, 2-3 महीने में। तो टोटल वहाँ पे 550-600 फ्लैट हो जाएंगे। जो खोराबार है उसमें 1000 के ऊपर संख्या में प्लॉट्स आएंगे, तो बहुत अच्छा स्कीम आएगा, उसमें काफ़ी लोगों को। गुरु कृपा सेवा संस्थान के तत्वावधान में शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में भारत के श्री चंद्र प्रकाश मिश्र गामा पहलवान की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने भारत माता एवं बजरंगबली के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा गामा पहलवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उदीयमान पहलवानों को उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प दिलाया तथा गुरु कृपा संस्थान के मंत्री ब्रजेश त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों को अंगवस्त्र एवं साफा और माला पहनाकर सम्मान किया, जिसके संबंध में जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि गामा पहलवान देश के चोटी पहलवानों में से एक थे। उन्होंने अल्पायु में गोरखपुर का नाम देश में रोशन किया था। आज उनके पूर्वजों ने कुश्ती कला के लिए जो व्यायामशाला पंडित ब्रह्मदेव मिश्र एवं राम नारायण मिश्र धर्मदा ट्रस्ट के माध्यम से चला रहे हैं, उसमें भारी संख्या में उदीयमान पहलवान निकल रहे हैं। वहीं जिला कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने कहा कि गामा पहलवान की जिला में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के महान विभूतियों में उनकी गणना होती थी। गामा पहलवान जितने बड़े पहलवान थे उससे ज्यादा मधुर उनका व्यवहार था। आज सभी पहलवान उनको याद करते हैं। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, दीनानाथ सिंह, हरिनारायण धर दुबे, प्रेम शंकर मिश्रा, डॉक्टर उदय प्रकाश मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंचला शुक्ला, अभिषेक, प्रदीप, अंजनी, रंजना राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपाध्यक्ष पन्नेलाल यादव और महामंत्री माया शंकर शुक्ला तथा जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा, उसके निमित्त पूरे साल कुछ न कुछ आयोजन करती चली आ रही है, उसी के निमित्त संस्थान द्वारा भारत के श्री चंद्र प्रकाश मिश्र गामा पहलवान, आज हम लोग कुश्ती की जब भी बात होती है, जब कोई युवा जब कुश्ती की बात करता है, पहलवानी की बात करता है, तो उस ऊर्जा कुश्ती एक ऐसा खेल जो हमारे लोक जीवन से निकली है, जो हम जन्म लेते हैं। आपा क्या है? पुरुष का ध्यान करेंगे।
तस्यास्ते देवाग्निर्ज्योतिर्ज्योतक्षोऽरिष्टनिष्णो मङ्गलं गरुडध्वज सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये नके गौरी नारायणी नमोऽस्तु अञ्जलिं समर्पयामि। आदरणीय महामंत्री जी को कृपया माल्यार्पण करके बिहार निवेदन करूंगा, वो भी मंच पे आए। हरनारायण द्विवेदी जी, हरनारायण द्विवेदी जी अभी मंच पे आइए। अब मैं दो ऐसे व्यक्तियों को निवेदन कर रहा हूं, हरनारायण द्विवेदी को और इस आप जब भी गुरुकृपा संस्थान द्वारा कोई कार्यक्रम घटक है उसके पहले भी ये अनवरत कुछ न कुछ करते रहे हैं और हमारे शहर में करीब 12 वर्षों से जो मुख्य रूप से वो एक बहुत ही अनूठा और बलिदानी मेला का मतलब ये नहीं कि जो भी राष्ट्र पहलवान गामा जी की पुण्यतिथि है। वह देश के चोटी के पहलवान थे, बहुत ही अच्छे पहलवान थे, गोरखपुर का नाम रोशन किए थे पूरे देश और दुनिया में। उपस्थित यहाँ सभी भाइयों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई दिनेश सिंह जी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष शुक्ला जी, माया शंकर शुक्ला जी, शत्रुघ्न राय जी और सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई आयोजन होना चाहिए, इससे इंसान की कृति जो होती है ना उसे पता चलता है कौन क्या था। कुछ गामा जी के बारे में बताइए, जीवन के बारे में बता दीजिए। गामा पहलवान बता दीजिए, देशस्त्र के पहलवान थे, बहुत ही अच्छे पहलवान थे। अल्पाई में ही साथ छोड़कर चले गए हम लोगों का, इस बात का बहुत ही दुख है। भगवान की आत्मा को शांति दें। पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गामा मिश्रा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े पहलवान हम लोगों के ज़िले में पैदा हुए। हमने तो उनकी कुश्ती भी देखी है, उनकी बातचीत भी देखी है, कुछ दिन नज़दीक भी रहे। जिस तरह से उनका लड़न था, जिस तरह से गोरखपुर में उन्होंने कुश्ती लड़ी, गोरखपुर के बाहर दिल्ली में रहकर प्रैक्टिस करते हुए विदेश भी उनको जाने का अवसर मिला, वह हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आने वाले जो नौनिहाल हमारे नवोदित पहलवान बैठे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे महामानव, ऐसे बड़े पहलवान सदियों में पैदा होते हैं। गोरखपुर के थे वो, देश में उनका बड़े पहलवानों में शुमार था, इसलिए जब हम लोग कुश्ती करते थे तो हम लोग भी सोचते थे कि गामा पहलवान के जैसा ही कुश्ती लड़ें और अपने ज़िले का और प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि इतने बड़े पहलवान परिवार का होते हुए भी इस चोटी पर पहुँचे वो, जैसा कि बिरले देखने को मिलता है। अभी उनके वहाँ एकेडमी चलती है, अच्छे पहलवान तैयार होते हैं। हम शुभकामना देते हैं परिवार के सभी सदस्यों को और गुरु कृपा संस्थान के हमारे बृजेशमणि तिवारी जी को और सभी सम्मानित सदस्यों को कि उनके आज एक कैसे पुण्यतिथि पर हम लोग उनको याद कर रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात और दुख की भी बात है कि उनके हम लोग श्रद्धांजलि में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी उम्र जाने की नहीं थी। आज वह रहते तो हमारे पहलवानों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करते, क्योंकि कुछ करने की, अलग करने की उनकी एक जो उत्सुकता थी हम लोगों ने देखा था। गामा जी विश्वविख्यात पहलवान ब्रह्मदेव मिश्रा के परिवार से थे।
ब्रह्मदेव मिश्रा विश्वविख्यात इसलिए थे कि उस वक्त के विश्व विजयी दारा सिंह को उन्होंने कलकत्ता में मात्र कुछ मिनटों में आसमान दिखा के चित किया था। उसी परिवार से रामनारायण मिश्रा, गामा मिश्रा और तमाम पहलवान निकले जो सिर्फ इस गोरखपुर जिला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के महान विभूतियों में उनकी गणना होती थी। गामा मिश्रा पहलवान जितने बड़े थे उससे ज़्यादा मधुर उनका व्यवहार था, उतने ही मिलनसार थे। आज हमारे बीच नहीं हैं, हम सबको उनकी कमी खलती है। हम धन्यवाद देते हैं त्रिपाठी जी को जो आज उनकी 21वीं श्रद्धांजलि समारोह पर उनको याद दिलाकर उस गम में सबकी आंखों को नम कर दिया इन्होंने। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत दूसरे दिन घोसी एकादश व लोको फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को खेले गए मैच में घोसी एकादश ने लोको फुटबॉल क्लब को 1-0 से तथा टाउन क्लब बांसगांव ने खुराबार फुटबॉल क्लब को 2-0 से पराजित कर अंक बनाया, जिसमें पहला मैच लोको फुटबॉल क्लब व घोसी एकादश के बीच खेला गया। मैच के शुरू के छठे मिनट में घोसी एकादश के अहमद ने शानदार मैदानी गोल करके अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। अंत में यही गोल निर्णायक सिद्ध हुआ। घोसी एकादश 1-0 से विजयी रही। वहीं दूसरा मैच टाउन क्लब बांसगांव व खोराबार फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच के प्रारंभ के 14वें व 21वें मिनट में सत्यम साहनी व ऋतिक सिंह ने ताबड़तोड़ गोल करके बांसगांव को 2-0 से बढ़त दिला दी। अंत में बांसगांव 2-0 से विजयी रही। 10 सितंबर को धर्म स्पोर्टिंग व सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब के बीच व दोपहर बाद स्टार क्लब भगवानपुर व फुटबॉल क्लब गोरखपुर के बीच मैच खेला जाएगा। इस अवसर पर सूरज छेत्री, एनपी गौड़, अश्विनी कुमार यादव, बशीर अहमद, अमित रंजन यादव, संजय शाहनी, कुर्बान अली, शतेंद्र, मेहताब अहमद, नसीम, मोहित, फिरोज, गोविंद, इब्ने तालिब आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जिला फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान ने कहा, एकदम लाइव चीज दे हमजा खान, फुटबॉल टिकट। ये अभी आपके सामने जो गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित लीग सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पे जो है घोसी 11 वर्सेज लोको एफसी के बीच खेला जा रहा है, जिसमें ये मध्यांतर का दूसरे हाफ का खेल है और घोसी 11 1-0 से जीत रही है यह मैच। नहीं, अभी तो ये लीग के मैचेस हैं और ये 30 सितंबर तक ये लीग के मैचेस चलेंगे। चार पूल में ये टीमें बांट के 21 टीमें हैं, पूल ए में 6 टीमें हैं, बाकी बी सी डी में 5-5 टीमें हैं। टोटल 45 मैच होंगे पूल के और उसके बाद फिर ग्रुप में जो पहला और दूसरा नंबर की टीमें होंगी इनका क्वार्टर फाइनल मैच होगा, तो लीग समाप्ति के बाद ये नॉकआउट दौर शुरू होंगे। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राजचंद्र ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय सेना और अग्निपथ विषयक संगोष्ठी में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही ने कहा, श्रेष्ठ भारतीय सेना को श्रेष्ठतम बनाने का मार्ग है अग्निपथ। लखनऊ के प्रतिष्ठान में हुई आगजनी को देखते हुए गोरखपुर की फायर विभाग की टीम बड़े प्रतिष्ठानों के अग्निशमन मानकों को कर रही है चेक, कमी पाए जाने पर कर रही है कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। जनपद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों के लिए लगवाना है अनिवार्य। घर बैठे ही अपने वाहन के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए बुकिंग करने को ट्रैफिक पुलिस कर रही है लोगों को जागरूक। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। गुरुवार की देर रात्रि एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कोराबार थाने का किया निरीक्षण, चेक किया जनसुनवाई रजिस्टर, कहा थाने पर जनसुनवाई अधिकारी थाने पर रहे मौजूद, करे फरियादियों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण। रामगढ़ ताल के किनारे लगे रेलिंग के बीच में 5 जगहों पर जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है दर्शक दीर्घा, 21 लोग एक साथ बैठकर ले सकेंगे रामगढ़ ताल की खूबसूरती का आनंद। जनपद में यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है रातों दिन अभियान। एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, 53 वाहनों का किया गया चालान, सड़क दुर्घटना में कमी लाना है मुख्य उद्देश्य। अवैध अपमिश्रित देशी शराब यूरिया व नौसादर के साथ एक महिला को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम नौसादर किया बरामद, भेजा जेल। यातायात पुलिस और आरटीओ की संयुक्त टीम ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों के बाहर चलाया विशेष चेकिंग अभियान। एसपी ट्रैफिक ने कहा, बिना हेलमेट लगाए दो पहिया से स्कूल जाने वाले बच्चों और बिना हेलमेट के बच्चों को छोड़ने वाले तथा गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले अभिभावकों का किया गया चालान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित प्रभु श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिपेक्ष में तात्विक वीक्षण के तीसरे दिन कथा व्यास ने कहा, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सज्जनों की संगति में आ जाने पर बन जाता है संत, वही अगर कुसंगति मिल जाए तो बिगड़ जाता है अच्छे से अच्छा व्यक्ति। राप्ती नगर में शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों व नागरिकों के लिए जीडीए लेकर आ रहा है 260 फ्लैट की नई परियोजना। 15 सितंबर से बुकिंग होगा शुरू, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। भारत के श्री चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गामा पहलवान की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित, कहा गामा पहलवान ने अल्पायु में ही गोरखपुर का नाम देश में किया था रोशन। गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत दूसरे दिन घोसी एकादश व चाउन क्लब बासगांव ने जीते अपने अपने मैच, गोरखपुर जिला फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।